हाँ जी दोस्तों, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आया है वो आया है सेक्शन नंबर 105, जो कि बात करेगा किसके ऊपर, प्रॉक्सी के ऊपर। ठीक है, अब 104 तक हमने देखा प्रॉक्सी क्या है। तो देखो, दो प्रोविजन जो चल रहे थे प्राइवेट कंपनी के लिए और स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के लिए, वो तो सेम टू सेम चलेगा, फुट नोट की तरफ से जानकारी दी जाएगी, उसके ऊपर हम अलग से और फोकस नहीं कर रहे। अब बेसिक समझो जरा, प्रॉक्सी का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो प्रॉक्सी का मतलब होता है कि अपने अब स्कूल सेंस में जो यूज किया होगा या अपने जो अटेंडेंस सेंस में यूज किया होगा, उसको यहां से रिलेट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फर्जी माना जाता था एंड दैट इज लीगल। जो यहाँ पे बात होगी एक्ट के अंदर, ये आपका फर्जी नहीं है। ठीक है, वहां पे फर्जी हुआ करता था जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, बट स्टिल आप किया करते थे। बट यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज एक्सेप्टेबल, होगा तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलिए, तो प्रॉक्सी का बेसिकली मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कोई मीटिंग हो रही है और मीटिंग के अंदर अटेंडेंस लगानी है, मेंबर जो है जो इंटाइटल टू वोट है, जो वोट दे सकता है, लेकिन वो वहां पे जा नहीं पा रहा, किसी भी रीजन से अटेंड नहीं कर पा रहा, तो उसके पास एक राइट होता है कि वो चाहे तो अगर खुद ना जा पाए तो सपोज अपनी फैमिली मेंबर का किसी को भेज दे, दोस्त को भेज दे, किसी को भी भेज दे कि भैया आप चले जाओ एज अ प्रॉक्सी। और आप जब चले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहां पे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंबर नहीं हो तो आप बोल नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू कि आपको वोट करने का भी मौका नहीं मिलेगा अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड से हो रही हो या किसी और माध्यम से हो रही हो। मतलब अगर वोट जो है वो पोल के थ्रू हो रहा होगा तो ही आप वोट कर पाओगे, अदरवाइज आपको वोट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो उस मेंबर को क्या फायदा? फायदा ये है मोटा मोटा कि भैया एटलीस्ट डिस्कशन तो सुन लेगा। ठीक है, एटलीस्ट अगर पॉजिटिव साइज में देखें तो उसको मुद्दा तो पता लगेगा कि मीटिंग में चर्चाएं क्या हुई है, क्या क्या चीजें थी, वो सुन तो सकता ही है, बोल नहीं सकता ना। तो इस ग्राउंड पे भी कहा जाता है कि अगर कोई मेंबर चाहे और वो मेंबर इंटाइटल टू वोट भी है, तो वो चाहे तो वो अपनी जगह पे किसी प्रॉक्सी को भेज सकता है। नाउ प्रॉक्सी कौन हो सकता है? तो प्रॉक्सी मेंबर भी हो सकता है। मेंबर का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मिस्टर ए भी मेंबर है, मिस्टर बी भी मेंबर है। तो मिस्टर ए ने कहा कि सर मिस्टर ए मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो उन्होंने मिस्टर बी को कहा कि सर आप जा ही रहे हो, आप मेरी प्रॉक्सी भी लगा देना। प्रॉक्सी लगाने का मतलब कि एज अ प्रॉक्सी आप अटेंड कर लो वहां पे मीटिंग, और ये माना जाएगा कि मैंने भी अटेंड किया, दोनों लोगों ने अटेंड किया। तो कोई मेंबर जो है वो भी प्रॉक्सी, तो मेंबर वो ऑलरेडी जा रहा था, वो एज अ प्रॉक्सी के रूप में भी चला गया। प्रॉक्सी के रूप में चला गया तो इसमें देखो फायदा क्या होगा कि सपोज पोल के थ्रू वोटिंग कर रहा होगा तो वो मिस्टर बी अपनी वोटिंग भी कर सकता है और मिस्टर ए की वोटिंग भी कर सकता है। ठीक है ना, दोनों की वोटिंग कर सकता है। तो इस टाइप के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, अगर मेंबर कोई ना हो, अदर मेंबर हो तो उसको भी भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको लेके। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में इसके ऊपर लेकर रिस्ट्रिक्शन आती है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि सेक्शन 8 कंपनी में अगर प्रॉक्सी को भेजा जा रहा है तो वो प्रॉक्सी एक दूसरा मेंबर ही होना चाहिए, अदर देन मेंबर कोई और पर्सन अलाउड नहीं होता। चलिए, तो अब इसको फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहला सबसेक्शन आपको ये कहता है कि भैया प्रॉक्सी के लिए जो मेंबर है, कोई भी मेंबर जो कि इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट है। इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट का मतलब क्या हुआ कि वो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भी वो इंटाइटल है और वहां पे वो वोट करने के लिए भी इंटाइटल है। तो ऐसा कोई भी मेंबर जो है उसके पास एक राइट होता है कि वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन का मतलब कि मेंबर भी या एनी अदर पर्सन भी, एज अ प्रॉक्सी, कि वो अटेंड भी कर ले और वोट भी कर ले। अब अटेंड भी कर ले, वोट भी कर ले, इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन आ जाती है कि भैया अटेंड तो करेगा लेकिन बोलेगा नहीं, वोट तो करेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोलिंग के केस में ही वोट कर सकता है, अदर देन दैट उसको वोट करने की परमिशन नहीं होती बाकी किसी माध्यम से। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो सिंपली कहा जाता है कि भैया ये तो आपके आर्टिकल के अंदर इसका क्लॉज मेंटेन होना चाहिए, मतलब इसके प्रोविजन की मेंशन होनी चाहिए आपके आर्टिकल के अंदर, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि वो सारी कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, वो उनको ये पावर नहीं मिलती, मतलब उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, प्रॉक्सी का सेक्शन नहीं अप्लाई होता। किनके पास? वो सारी कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि कंपनी के पास शेयर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, या फिर आर्टिकल में क्या होना चाहिए इसके बारे में मेंशन होना चाहिए कि प्रॉक्सी को पॉइंट लेके है कि नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे सीजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पास भी एक एडिशनल पावर है कि वो चाहे तो किसी भी कंपनी या किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को मना कर सकती है कि भैया तुम नहीं प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे। तो ये पावर किसके पास है? सीजी के पास, कि भैया आपके आर्टिकल में क्यों ना लिखा हो, बट सीजी अगर ने बोल दिया उसने कि भैया नहीं तुम्हें अपॉइंट करने की पावर नहीं है, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो भैया आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये सीजी के पास एक एडिशनल पावर भी इसके अंदर आ जाती है सबसेक्शन 1 के ऊपर। फिर बात आती है कि जो पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है एज अ प्रॉक्सी, वो कितने लोगों की प्रॉक्सी लगा सकता है। तो एक जो पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा 50, मतलब 50 मेंबर्स की प्रॉक्सी एक बंदा लगा सकता है। जैसे कि 50 लोग हैं और वो 50ों लोग मिलकर किसी एक बंदे को कहते हैं कि भैया तुम हमारे 50ों की प्रॉक्सी लगा देना, तो वो अकेला जाके मीटिंग अटेंड करेगा और माना जाएगा कि उस 50 लोगों ने मीटिंग अटेंड किया है, तो वो एज अ प्रॉक्सी बन सकता है एक बंदा 50 लोगों का। लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन क्या है कि उन 50ों लोगों की जो शेयर कैपिटल होगी वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सपोज करो किसी के पास आधा परसेंट का शेयर कैपिटल है, किसी के पास पॉइंट में कुछ परसेंट है, किसी के पास 2% है, कुछ भी है, उन 50ों को जब जोड़ा जाएगा तो उनकी शेयर कैपिटल 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
फिर इसके ऊपर बात आती है, सपोज करो कि तीन लोगों को ही जोड़ा गया और उनकी शेयर कैपिटल सपोज करें 9.99% हो रही है, तो वो तीन लोगों की प्रॉक्सी एक बंदा लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा बंदा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि चौथा बंदा जैसे आप जोड़ रहे हो वो 10% से ऊपर चला जा रहा है, फिर एक बंदा अलाउड नहीं है। ये चीज समझ में आती है। फिर इसके अंदर पॉइंट आता है कि सपोज करो कोई अकेला ही मेंबर है, उसके पास ही अकेला 12% के शेयर है, तो उसके इसमें क्या होगा? अगर शेयर कैपिटल उसके पास 12% की वो होल्ड करता है तो उसके इसमें क्या करेगा? क्या वो प्रॉक्सी नहीं लगा सकता? तो वो भी लगा सकता है प्रॉक्सी, लेकिन ऑब्वियसली बात है 12% 10 से ऊपर चला गया तो वो किसी एक सिंगल पर्सन को अपॉइंट करेगा एज अ प्रॉक्सी और उसको बोलेगा भैया तुम जाओ मेरी जगह पे मीटिंग अटेंड कर लो, तो वो भी अलाउड हो जाएगा, लेकिन वो सिंगल पर्सन ही होगा ऑब्वियसली बात है। और वो जो पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है वो किसी और की प्रॉक्सी लगाने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 10% का क्राइटेरिया तो वो ऑलरेडी पार कर चुका है, तो वो एक बंदे को अपॉइंट कर सकता है और वो एक बंदा इकलौता उसी मेंबर की प्रॉक्सी के रूप में मीटिंग को अटेंड कर पाएगा, किसी और का प्रॉक्सी वो साथ में नहीं लगा पाएगा। प्रॉक्सी की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कैसे होगी, तो उसके ऊपर रूल आता है आपका 19(3) जो कि बात करता है कि फॉर्म MGT 11 भरा जाएगा बेसिकली, जिसके अंदर प्रॉक्सी की डिटेल्स जो पर्टिकुलर होंगी वो सारी उसके अंदर फिल की जाएंगी, और ये जो प्रॉक्सी की डिटेल्स या जो भी सूचना है ये कंपनी के पास 48 आवर्स से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए कि कौन प्रॉक्सी है, उसकी सूचना एमजीटी फॉर्म बेसिकली जो कह रहे हो एमजीटी 11 का जो फॉर्म है वो कंपनी के पास 48 आवर से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए कि हां जी मीटिंग में ये नहीं आ रहा है, इसकी जगह पे ये प्रॉक्सी आ रहा है मीटिंग कंडक्ट होने से 48 आवर पहले। नाउ फिर कहा जाता है कि जो भी कंपनी नोटिस देती है, नोटिस देती है मतलब क्या, मीटिंग जब कंडक्ट होता है तो आपने देखा 21 डेज का क्लियर नोटिस है या फिर और भी उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, एज द केस में भी जो भी सिनेरियो रहा हो कंपनी ने नोटिस दिया है कि भैया आप मीटिंग अटेंड करने आओ। अब उसके अंदर हो सकता है प्रॉक्सी के बारे में कंपनी का शेयर कैपिटल है या उनके आर्टिकल के अंदर प्रिस्क्राइब है, जो भी सिनेरियो है, द थिंग इज कि अगर प्रॉक्सी अलाउड है तो उनको उस नोटिस के अंदर एक स्टेटमेंट अलग से लिखना पड़ेगा, उसके अंदर एक नोटिस के अंदर एक स्टेटमेंट अलग से लिखना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट में बेसिकली क्या लिखा जाएगा कि भैया जो भी मेंबर्स को ये दिया जा रहा है वो इंटाइटल्ड है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी को एज अ प्रॉक्सी, किसी भी पर्सन को, नंबर वन। नंबर टू, उनको ये भी लिखना पड़ेगा कि आप जो अटेंड करने के लिए जिसको अपॉइंट करोगे वो वोट के लिए इंटाइटल्ड है या नहीं, मतलब उसके ऊपर भी आपको क्लॉज डालना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट कि भैया अब जो प्रॉक्सी है वो जरूरी नहीं है कि मेंबर ही हो, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, इसकी जानकारी भी आपको नोटिस के अंदर देनी पड़ेगी। द थिंग इज कि इस चीज का आपको एक अलग से एक एरिया, एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है जो कि आपकी नोटिस के अंदर होना जरूरी है अगर प्रॉक्सी का प्रोविजन आपके ऊपर लगता है तो, आपकी कंपनी के ऊपर लगता है तो ये नोटिस के ऊपर भी एक क्लैरिफिकेशन आ गया इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉक्सी। फिर बताइए भाई प्रॉक्सी की, जो मैंने आपको पीछे बताया कि भैया 48 घंटे के पहले तक वो मीटिंग के अंदर पहुंच जाना चाहिए, इसके ऊपर एक और अच्छी चीज क्या है कि अगर सपोज करो आर्टिकल के अंदर ये लिखा था कि नहीं भैया हमारे पास 48 घंटे नहीं, हमारे पास 96 आवर्स के पहले पहले वो प्रॉक्सी की इंटीमेशन आ जानी चाहिए तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। एक्ट ने कह दिया भैया 48 घंटे, इवन इफ द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, आर्टिकल के अंदर इससे ज्यादा पीरियड भी लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं, अगर 48 घंटे पहले भी आपकी मीटिंग से 48 घंटे पहले भी अगर आपके पास प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन आ गई है तो वो वैलिड ही माना जाएगा, कोई उसके अंदर इश्यू नहीं है, आर्टिकल ने ज्यादा भी लिख दिया हो तो उसको नहीं मानेंगे यहाँ पे। नो, ये क्लैरिफिकेशन है, फुटनोट इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के रिगार्डिंग सेम टू सेम चल रहा है। एक रूल नंबर 20 आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी के केस में। ये बेसिकली क्या कहता है कि आपने जो नोटिस दिया, जो आपने मीटिंग के रिगार्ड में नोटिस दिया है उसके अंदर आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या कि सपोज करो जो आपने मेंबर्स को नोटिस दिया वहां पे ना ई वोटिंग का, रिमोट ई वोटिंग का एक प्रोविजन था। रिमोट ई वोटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी मुद्दा आप डिस्कस करने वाले हो उसके रिगार्डिंग जो मेंबर्स हैं वो पहले ही वोट कर सकते हैं, मतलब मीटिंग अटेंड करने से पहले ही वोट कर सकते हैं कि भैया हम इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट में, व्हाटएवर जो भी है उसकी वोटिंग उन्होंने पहले ही कर दी, मीटिंग अटेंड करने से पहले ही कर दी। तो उस सिनेरियो में वो लोग भी जो है वो अटेंड तो कर सकते हैं मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि मीटिंग हुई नहीं, उनके पास नोटिस पहुंचा और उसके थ्रू नोटिस को उन्होंने पढ़ते समझते हुए जो भी उनको वोटिंग करनी थी वो उन्होंने रिमोट ई वोटिंग कर दी, विच इज प्रायर टू दी मीटिंग, मतलब मीटिंग से पहले उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया कि किस फेवर में किसके अगेंस्ट में व्हाटएवर। तो वैसे लोग भी जो है वो मीटिंग को अटेंड तो कर सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली बात है वो दोबारा वोट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है लिस्टेड कंपनी, उसके ऊपर एक रूल है सिंपल सा। नाउ बात आती है इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ,
कि भैया जो प्रॉक्सी आपके हैं उसको क्या इंस्पेक्शन किया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इंस्पेक्शन करने के लिए आपको कम से कम 3 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब जो भी लोग कंपनी के प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं वो जो इंस्पेक्शन कर सकते हैं वो कब कर सकते हैं, पहली बात कि ड्यूरिंग दी मीटिंग इंस्पेक्शन किया जा सकता है, दूसरी बात कि मीटिंग से 24 आवर्स पहले, देखो 48 घंटे का प्रोविजन था कि प्रॉक्सी की इंटीमेशन कंपनी के पास आ जाएगी, अब कंपनी के पास 48 घंटे के पहले आ गई, तो उससे पहले क्या कोई इंस्पेक्शन कर सकता है, मतलब ही नहीं है। 48 घंटे पहले कंपनी का इंटीमेशन आ जाएगी, उसके बाद कोई भी व्यक्ति चाहे तो 24 घंटे पहले आके कंपनी से इंस्पेक्शन कर सकता है कि भैया कौन कौन प्रॉक्सी है, कौन कौन की जगह पे प्रॉक्सी है वगैरह वगैरह, जो भी इसके दस्तावेज देखना चाहे वो देख सकता है। तो 24 घंटे पहले कर सकता है या फिर ड्यूरिंग दी मीटिंग कर सकता है, दोनों पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इंस्पेक्शन आप तभी कर पाओगे जब उसके लिए आपने पहले से कोई नोटिस दे रखा हो, और जो नोटिस आपको देना पड़ेगा वो 3 दिन पहले देना पड़ेगा। 3 दिन वो आप आर्स में कन्वर्ट कर लो, एज द केस में भी जो भी है, द थिंग इज कि जो भी आपकी मीटिंग होने वाली है, जो भी आप इंस्पेक्शन करने वाले हो, उसके लिए आपको 3 दिन का एक क्लियर नोटिस देना पड़ेगा कि भैया हम इंटरेस्टेड है इंस्पेक्शन करने के लिए। और जो इंस्पेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑब्वियसली बात है कब कराया जाएगा, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ही कराया जाएगा, उसके अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं। तो द थिंग इज कि इंस्पेक्शन का भी एक प्रोविजन है, उसके केस में क्या है, ड्यूरिंग दी मीटिंग या फिर 24 आवर्स बिफोर हो सकता है, लेकिन आपको 3 डेज का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा और ड्यूरिंग दी बिजनेस आवर्स ही करवाया जाएगा इंस्पेक्शन। पेनल्टी की बात करें तो सबसेक्शन 2 की जो कंप्लायंसेस थी, जिसके अंदर आपने देखा था कि 50 लोग और 10% वाली बातें थी, तो वो कंप्लायंसेस अगर पूरी नहीं होती है तो उस केस में जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपीज की। फिर बात करते हैं इसके अंदर एक पेनल्टी, एक स्पेशल पेनल्टी, बेसिकली क्या है कि आपको जैसे ऊपर बताया गया क्या कि हर एक नोटिस के अंदर ये जानकारी होना जरूरी है कि आप प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते नहीं कर सकते, प्रॉक्सी वोट कर सकता है नहीं कर सकता, प्रॉक्सी मेंबर होगा या नहीं होगा, इस बात की जानकारी आपको नोटिस में देनी पड़ती है। लेकिन कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि भैया इनविटेशन देगी अपॉइंट करने के लिए प्रॉक्सी को, मतलब कि प्रॉक्सी को आप अपॉइंट करो, इस लोगों को प्रॉक्सी अपॉइंट करो, इसके बारे में कंपनी मेंबर को नहीं बताएगी। ये तो मेंबर की अपनी इच्छा है ना, मेंबर खुद सोचेगा कि वो अटेंड नहीं कर सकता, वो प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा, बट ऐसा नहीं हो कि कंपनी ने खुद अपने खर्चे पे मेंबर को बोला कि भैया नोटिस दिया कि ये इनविटेशन दिया कि आप इसको एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करो, और उस प्रॉक्सी ने आके वोट भी किया कंपनी के ऊपर। तो इस टाइप की अगर कोई एक्टिविटी नोइंगली की जा रही है, जानबूझ के की जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या माना जाता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रावेंशन, ये भी क्या एक प्रकार की गलत एक्टिविटी है जो कि कंपनी को नहीं करना है। भैया कंपनी तो ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर खुद आके अटेंड करें, वो तो मेंबर अगर कंफर्टेबल नहीं है या मेंबर किसी रीजन के वजह से अटेंड नहीं कर पाता तो उसको एक ऑप्शन दिया गया प्रॉक्सी का, बट ये एक ऑप्शन है, ये एक मैंडेटरी क्लॉज नहीं है कि भैया करे ही करे। और इसके लिए अगर कंपनी खुद कन्वेंस कर रही है कि अगर तुम क्या आओगे प्रॉक्सी को भेज दो वगैरह वगैरह, कुछ भी इस तरीके से अगर किया जा रहा है तो वो भी एक गलत एक्टिविटी मानी जाती है और उसके ऊपर भी पनिशमेंट है। अगर किसी भी ऑफिसर ने इस टाइप की एक्टिविटी को नोइंगली किया है, जानबूझ के किया है, तो उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जो कि मैक्सिमम होगा 1 लाख रुपए तक, मतलब कि मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है इसको 1 लाख रुपए तक का फाइन अगर ये एक्टिविटी हुई है। फिर बात आती है इंस्पेक्शन को लेकर, अपने पीछे पॉइंट देखा था कि अगर इंस्पेक्शन के लिए रिफ्यूज करती है कंपनी तो वहां पे कंपनी भी होगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी होगा, तो उसके ऊपर अगर इंस्पेक्शन के लिए आपने रिफ्यूज कर दिया, ऑल्दो सारे प्रोविजन कंप्लाई हो रहे थे, बट स्टिल आप इंस्पेक्शन अगर नहीं करा रहे हो प्रॉक्सी का, तो उस केस में आपको फाइन लगेगा जो कि होगा मैक्सिमम 10,000, मतलब अप टू 10,000 रुपीज, एंड ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूइंग नेचर का पेनल्टी है, तो यहाँ पे 1,000 रुपए पर डे का डिफॉल्ट भी आपके पास आ जाएगा कि आपको जब इंटीमेशन दिया गया उसके सपोज 3 दिन के बाद आपने इंस्पेक्शन कराया तो 10,000 तक की पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, वो 3 दिन का 1,000 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 रुपए की पेनल्टी आपको एडिशनल लगेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भैया ये जो ऑफेंस है ये जो है ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की नेचर है, जो कि आपको सेक्शन 441 में मिलता है, इसके बारे में हमने चर्चा पीछे कर रखी है। इन जनरल आप ये समझ सकते हो कंपाउंडेबल ऑफेंस का जनरल मतलब क्या होता है, जहां पे हम फाइन पेनल्टी पे करके मुक्ति पा लेते हैं। द थिंग इज कि इम्प्रिजनमेंट की जरूरत वहां पे नहीं होती है, इम्प्रिजनमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, हम फाइन पेनल्टी को मानते हुए कि हाँ जी हमने गलती कर दी और इसको हम स्वीकारते हैं, ये पैसे लो, ये पेनल्टी लो और हमें इससे मुक्त करो, तो इस टाइप की हरकत जो होती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, जो कि डिफाइन किया गया आपके सेक्शन 441 में। नाउ अब एक रूल 19 है, वो बेसिकली क्लेरिफिकेशन क्या कर रहा है कि आपने पीछे देखा 50 मेंबर की रिक्वायरमेंट है कि भैया मैक्सिमम 50 मेंबर होने चाहिए, दूसरी बात कि उन 50 मेंबर की मिला के शेयर होल्डिंग जो है वो 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वही लोग जो है वो प्रॉक्सी बन सकते हैं और वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेंबर को मीटिंग में आके। फिर इसके अंदर क्या चीज आती है कि यहां पर हमने देखा था कि कोई भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है, अदर मेंबर भी हो सकता है, लेकिन फिर इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन क्या आई कि अगर सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो वहां पर जो प्रॉक्सी बनेगा वो कोई ना कोई मेंबर ही होना चाहिए, अदर मेंबर यहाँ पे अलाउड
नहीं किया जाता। फिर एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी की बात करें, वो सेम टू सेम है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन, मतलब जिसके हम बात कर रहे हैं वो सेक्शन, या फिर आर्टिकल में इसके ऊपर कुछ बात लिखी होगी तभी इसको अप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज ये इनके लिए छूट है। इनके लिए छूट मतलब प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये छूट तभी मिलेगी जब उन्होंने कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट ना किया हो। किस रिगार्ड में? फाइलिंग के रिगार्ड में। कौन सी फाइलिंग? सेक्शन 92 की या सेक्शन 137 की। इन दोनों में से कोई भी फाइलिंग के अंदर अगर उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है तो ही उनको ये छूट का मौका मिलेगा, अदरवाइज ये जो सेक्शन है वो मैंडेटरी लोन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा मैंडेटरी नेचर में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 105। नाउ 106 या 109 नहीं, बेसिकली 1010 तक का एक एरिया आएगा जो कि बात करेगा वोटिंग के रिगार्ड में। सारी वोटिंग की जो डिस्कशन है, पोल की हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड की हो, आपकी शो ऑफ हैंड से हो, या फिर आपका पोस्टल बैलेट के थ्रू, जो भी वोटिंग की जितनी चर्चा होंगी वो एक सेपरेट सेक्शन में आएगी, तो इसको हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल इसको यहीं पे रैप अप कर लेते हैं।